हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। इलेक्ट्रिक स्कूटर इंडिया में डे बाय डे पॉपुलर होती जा रही हैं। ऐसे में कई सारी लेडीज़ की रिक्वायरमेंट हैं कि वो अपने लिए एक अच्छी सी इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदें। तो आज हम आपको इस वीडियो में टॉप 10 इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में बताने वाले हैं, जो कि लाइटवेट है, कम्फर्टेबल हैं और ईजी टू हैंडल हैं। आज हम जिन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की बात करेंगे वो लेडीज़ के लिए एक बेटर ऑप्शन होने वाली है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, इवोलेट पोनी। अगर आप कम प्राइस में एक ऐसी इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहते हैं जिसमें आपको फीचर्स भी मिले और रेंज भी अच्छी मिले, तो इवोलेट पोनी आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकती है। यहाँ पर हमें 250 वॉट का मोटर मिलता है, जिसकी टॉप स्पीड कंपनी क्लेम करती है 25 किलोमीटर, लेकिन प्रैक्टिकल यूसेज में इसकी टॉप स्पीड 35 से 40 किलोमीटर तक भी चली जाती है, और 40 किलोमीटर तक की टॉप स्पीड सिटी के हिसाब से इनफ है। इवोलेट पोनी लो स्पीड कैटेगरी में आने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर है, तो इसके लिए ना ही आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है और ना ही लाइसेंस की। ये स्कूटर दो बैटरी वेरिएंट में आती है, एक लेड एसिड जो कि 7 to 8 आवर्स में फुल चार्ज होती है और 120 किलोमीटर तक का रेंज देती है। दूसरा वेरिएंट लिथियम आयन बैटरी वाला है, जो कि 3 to 4 आवर्स में फुल चार्ज हो जाती है और 100 किलोमीटर तक की रेंज देती है। इन दोनों वेरिएंट्स में हमें रिमूवेबल बैटरीज मिलती हैं। इसके अलावा इस स्कूटर में हमें USB चार्जिंग, मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। कंपनी का कहना है कि इस स्कूटर को चलाने में पर किलोमीटर सिर्फ 6 पैसे का खर्चा आएगा। ये काफ़ी लाइटवेट स्कूटर है, इसका वेट है सिर्फ 62 kg। इसके लेड एसिड वाले वेरिएंट की प्राइसिंग है 39,541 रुपीज़ और लिथियम आयन वाले वेरिएंट की प्राइसिंग है 49,563 रुपीज़। इसके मोटर में हमें 18 मंथ्स की वारंटी मिलती है, लेड एसिड बैटरी में 1 ईयर की वारंटी मिलती है और लिथियम आयन बैटरी में 3 ईयर्स की वारंटी मिल जाती है। नंबर 9, ओकिनावा लाइट। ये भी लो स्पीड कैटेगरी में आने वाली स्कूटर है। इसके लिए भी आपको ना ही रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही लाइसेंस की। इसमें हमें 250 वॉट का मोटर मिलता है। इसकी टॉप स्पीड भी रियल लाइफ में 35 से 40 किलोमीटर तक चली जाती है, लेकिन यहाँ पर इवोलेट पोने के मुकाबले पिकअप काफ़ी अच्छा है। ओकिनावा ने इसमें 1.25 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी दी है, जो कि 60 किलोमीटर तक का रेंज देती है। ये बैटरी डिटैचेबल है और ये 4 to 5 आवर्स में फुल चार्ज हो जाती है। दिखने में ये स्कूटर काफ़ी क्यूट दिखती है। यहाँ पर मल्टीपल कलर ऑप्शंस हैं, जैसे कि ब्लू, वाइट, येलो, रेड, ग्रीन एंड ऑरेंज। यहाँ पे कंपनी यूनिक पेंट स्कीम का ऑप्शन भी प्रोवाइड कर रही है। आप ये सारे पेंट अपनी स्कूटर पर करा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 15,000 का एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा। ओकिनावा लाइट की प्राइसिंग है 63,990 रुपीज़ और इसकी बैटरी में हमें 3 ईयर्स या फिर 30,000 किलोमीटर तक की वारंटी मिल जाती है। नंबर 8, एम्पीरियल जिल। ये एम्पीरियल की तरफ से आने वाली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इलेक्ट्रिक स्कूटर है। इसमें हमें 1200 वॉट का मोटर मिलता है, 55 किलोमीटर इसकी टॉप स्पीड है। यहाँ पर हमें 1.8 किलो वाट आवर की लिथियम आयन बैटरी मिलती है, जो कि डिटैचेबल है। ये बैटरी 5 to 6 आवर्स में फुल चार्ज होती है और सिंगल चार्ज में 75 किलोमीटर तक का रेंज प्रोवाइड करती है। एम्पीरियल जिल काफ़ी लाइटवेट स्कूटर है, इसका वेट है सिर्फ 75 kg और इसकी प्राइसिंग है 67,000 रुपीज़। यहाँ पर कंपनी बैटरी पर 3 ईयर्स या फिर 20,000 किलोमीटर तक की वारंटी भी प्रोवाइड कर रही है। नंबर 7, एम्पीरियल मैग्नस प्रो। ये काफ़ी हद तक एम्पीरियल जिल की तरह ही है, बस यहाँ पर हमें थोड़े बहुत एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं। यहाँ पर हमें सेम 1200 वॉट का मोटर मिलता है, 55 किलोमीटर इसकी टॉप स्पीड है, 1.8 किलो वाट आवर की डिटैचेबल लिथियम आयन बैटरी के साथ ये स्कूटर 80 किलोमीटर तक का रेंज देती है और 5 to 6 आवर्स में फुल चार्ज हो जाती है। इस स्कूटर में कुछ स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि रिमोट कंट्रोल, कीलेस एंट्री और USB चार्जिंग। मैग्नस प्रो की प्राइसिंग है 74,000 रुपीज़ और इसकी बैटरी में भी हमें 3 ईयर्स की या फिर 20,000 किलोमीटर तक की वारंटी मिल जाती है।
नंबर 6 बिगॉस B8। इस स्कूटर का लुक काफ़ी आई कैची है, आप देख सकते हैं दिखने में ये काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लग रही है। यहाँ पर हमें 1900 वॉट का मोटर मिलता है जो कि 50 किलोमीटर तक की टॉप स्पीड अचीव कर सकता है। यहाँ पर बॉस कंपनी का मोटर यूज़ किया गया है जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर हमें लेड एसिड और लिथियम आयन बैटरी के अलग अलग वेरियंट्स मिलते हैं। जो लिथियम आयन बैटरी वाला वेरियंट है उसमें हमें रिमूवेबल बैटरी मिलती है, जबकि लेड एसिड बैटरी वाला वेरिएंट फिक्स बैटरी के साथ आता है। इसका जो लिथियम आयन बैटरी वाला वेरिएंट है वो 4 आवर में फुल चार्ज होता है और लेड एसिड बैटरी वाला वेरिएंट 7 to 8 आवर्स में फुल चार्ज हो जाता है। बिगॉज B8 में हमें टोटल 70 किलोमीटर तक की रेंज मिलती है। इस स्कूटर में हमें काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि पुश स्टार्ट बटन, फाइंड योर स्कूटर, एंटी थीप लॉक, रिवर्स मोड, डिजिटल क्लस्टर, USB चार्जिंग, साइड स्टैंड सेंसर एंड मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी। कंपनी इसके ओवरऑल व्हीकल में 3 इयर्स की वारंटी प्रोवाइड कर रही है, लेकिन इसके लेड एसिड वाले वेरिएंट में बैटरी में 1 ईयर की वारंटी मिलती है। इसकी स्टार्टिंग प्राइस है 63,000 रुपीज लेड एसिड बैटरी वेरिएंट के लिए, जबकि लिथियम आयन बैटरी के लिए स्टार्टिंग प्राइस है 83,000 रुपीज। यहाँ पर एक ली टेक्नोलॉजी नाम से भी एक वेरिएंट है जिसमें हमें थोड़े बहुत फीचर्स ज़्यादा मिलते हैं, बाकी ये सेम टू सेम लिथियम आयन वाले वेरिएंट के जैसा ही है। नंबर 5 जेमोपाई एस्ट्राइड लाइट। ये स्कूटर काफ़ी स्पोर्टी लुक के साथ आती है। यहाँ पर हमें मल्टीपल कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसमें हमें 2400 वॉट का मोटर मिलता है, 70 किलोमीटर इसकी टॉप स्पीड है, 1.7 किलोवाट आवर की डिटैचेबल लिथियम आयन बैटरी के साथ ये स्कूटर 3 to 4 आवर्स में फुल चार्ज हो जाती है और सिंगल चार्ज में 90 किलोमीटर तक का रेंज देती है। यहाँ पे हमें USB चार्जिंग का फीचर भी मिल जाता है। इसकी प्राइसिंग है लगभग 80,000 रुपीज़ और इसकी बैटरी में हमें 3 इयर्स की वारंटी मिल जाती है। यह भी काफ़ी लाइट वेट है, 96 kg इसका टोटल वेट है। नंबर 4 प्योर EV ePluto 7G। ये स्कूटर क्लासिक लुक के साथ आती है। यहाँ पर हमें 1500 वॉट का मोटर मिलता है, 60 किलोमीटर इसकी टॉप स्पीड है, 2.5 किलोवाट आवर की डिटैचेबल लिथियम आयन बैटरी के साथ ये स्कूटर 4 आवर्स में फुल चार्ज होती है और सिंगल चार्ज में 120 किलोमीटर तक का रेंज प्रोवाइड करती है। 79 kg इस स्कूटर का टोटल वेट है। यहाँ पर हमें एंटी थीप और स्मार्ट लॉक जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। इस स्कूटर की सबसे अच्छी बात है इसकी बिल्ड क्वालिटी। इसकी बिल्ड क्वालिटी अपने सेगमेंट में बेस्ट है, तो अगर आप गलती से इस स्कूटर को कभी गिरा भी दो तो भी सिर्फ नॉमिनल स्क्रैचेस आएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ePluto 7G की प्राइसिंग है 80,000 रुपीज़ और इसकी बैटरी में हमें 3 इयर्स या फिर 40,000 किलोमीटर तक की वारंटी मिल जाती है। नंबर 3 ई-ट्रांस नियो। ये स्कूटर भी प्योर EV की तरफ से आती है। यहाँ पर हमें 2200 वॉट का मोटर मिलता है जिसकी टॉप स्पीड 60 किलोमीटर है। इसमें हमें 2.5 किलोवाट आवर की डिटैचेबल लिथियम आयन बैटरी मिलती है जो कि 5 टू 6 आवर्स में फुल चार्ज होती है और 120 किलोमीटर तक का रेंज देती है। ई-ट्रांस नियो में हमें एंटी थीप अलार्म और स्मार्ट लॉक जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। इसका टोटल वेट है 86 kg। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। कंपनी ने बस कुछ ही दिनों पहले इस स्कूटर का न्यू 2021 वेरिएंट लॉन्च किया है। पहले इसकी प्राइसिंग 76,000 थी जो अब बढ़कर 79,000 हो गई है। यहाँ पर भी हमें बैटरी में सेम 3 इयर्स या फिर 40,000 किलोमीटर तक की वारंटी मिल जाती है। नंबर 2 अवेरा रेट्रोसा। इसे आंध्र प्रदेश की स्टार्टअप कंपनी रेट्रोसा ने बनाया है। ये इस स्टार्टअप की फर्स्ट स्कूटर है और इनका पहला प्रोडक्ट ही काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। करंटली अवेरा रेट्रोसा इंडिया की सबसे फास्टेस्ट स्कूटर है। यहाँ पर हमें 3 किलोवाट का मोटर मिलता है जो कि बॉस कंपनी की ओर से आता है। 90 किलोमीटर इसकी टॉप स्पीड है। 90 किलोमीटर की टॉप स्पीड हमें एथर 450X में भी नहीं मिलती। 2.59 किलोवाट आवर की डिटैचेबल लिथियम आयरन फास्फेट बैटरी के साथ ये स्कूटर 140 किलोमीटर तक का रेंज देती है और 3 to 4 आवर्स में फुल चार्ज हो जाती है। यहाँ पे लिथियम आयरन फास्फेट बैटरी यूज़ की गई है जो कि लिथियम आयन के कंपैरिजन में ज़्यादा टाइम तक चलती है और चार्ज भी जल्दी हो जाती है। ये स्कूटर क्लासिक लुक के साथ काफ़ी अच्छी दिखती है। इसका वेट सिर्फ 88 kg है।
ये स्कूटर चलाने में काफ़ी कंफर्टेबल है। इसमें हमें 3 राइडिंग मोड्स मिलते हैं, इसके अलावा एक पार्किंग मोड भी मिल जाता है। एडिशनल फीचर्स में यहाँ पे USB चार्जिंग और साइड स्टैंड सेंसर मिलता है। 1.08 लाख रुपीज़ अवेरा रेट्रोसा की प्राइसिंग है और कंपनी ओवरऑल स्कूटर में 3 ईयर्स की वारंटी प्रोवाइड कर रही है। नंबर 1, एथर 450X। करेंटली ये स्कूटर इंडिया की बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर है, क्योंकि यहाँ पर हमें परफॉर्मेंस के साथ साथ फीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। यहाँ पर हमें 6 किलोवाट का चेसी माउंटेड मोटर मिलता है। 85 किलोमीटर इसकी टॉप स्पीड है। इसका एक्सेलरेशन बहुत फास्ट है, 0 to 40 की स्पीड ये स्कूटर 3.3 सेकेंड में अचीव कर सकती है। यहाँ पर हमें 4 राइडिंग मोड्स मिलते हैं, इसके अलावा पार्किंग मोड भी मिल जाता है। यहाँ पर हमें 2.9 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी मिलती है, जो कि 4 आवर्स में फुल चार्ज हो जाती है और 85 किलोमीटर तक का रेंज देती है। ये बैटरी फिक्स्ड है, आप इसे निकाल कर चार्ज नहीं कर सकते। यहाँ पर हमें TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जिसमें म्यूजिक, नेविगेशन, कॉल अलर्ट, मैसेज अलर्ट जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। इस स्कूटर में जो फ्रेम यूज़ किया गया है वो काफ़ी लाइटवेट है और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है। 108 kg एथर 450X की टोटल वेट है। तो यहाँ पे हमारी लिस्ट ख़त्म हो जाती है। आप चाहे तो TVS iQube और चेतक इलेक्ट्रिक को भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन उन स्कूटर्स का वेट थोड़ा ज़्यादा है, प्लस वहाँ पे बैटरी भी फिक्स्ड मिलती है। बाकी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको इनमें से कौन सी इलेक्ट्रिक स्कूटर अच्छी लगी। अगर आपका किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर के रिगार्डिंग डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आपको 100% रिप्लाई दूंगा। इसके अलावा अगर आपका किसी अदर इलेक्ट्रिक बाइक या इलेक्ट्रिक स्कूटर के रिगार्डिंग क्वेश्चन है वो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आपको 100% रिप्लाई मिल जाएगा। इसी के साथ अगर आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।